हेलो माय डियर फ्रेंड्स मैं हूँ फ्लाइंग दीवा और मेरा नाम है राधा मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल में और गाइस ये जो वीडियो है आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये है बिकॉज़ um, बेसिकली uh, हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं जब हमें इंटरव्यू देने जाना होता है स्पेशली एयर होस्टेस का क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है जो कि मेरे साथ भी हुआ था तो गाइज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो एग्जैक्टली exactly हमें चाहिए क्या क्या होता है ठीक है तो ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस है और एक्चुअली जो हमारी चीज़ें जुटाने का जो हमारा प्रोसेस है ये बेसिकली उस बारे में है ठीक है तो गाइज़ ये जो मैंने वीडियो बनाया है आई होप यू आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा बिकॉज़ uh, uh, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि मैं uh, क्या पहन के जाऊँगा या जाऊँगी यू नो और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वो चीज़ ढूँढना लड़कों के लिए स्टिल ईजी बिकॉज़ बहुत ईजिली uh, कपड़े वग़ैरह उनके मिल जाते हैं पैंट ही पहननी है नॉर्मल शर्ट पहननी है बट जो हमारी लेडीज़ हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कहाँ से मिलता है बिकॉज़ uh, जब आपने ट्वेल्थ जस्ट क्लियर करी होती है बिकॉज़ आई वॉज नॉट दैट फॉरवर्ड मुझे सच में नहीं कुछ पता था कि कहाँ क्या मिलता है ठीक है तो गाइज़ ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए थोड़ा ईज़ी बनाने के लिए है ये प्रोसेस ठीक है तो आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगे अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को एंड लेट मी नो आपको ये कैसा लगा वीडियो तो स्टार्ट करते हैं सो so, गाइज़ जब आप जाते हैं मतलब इंटरव्यू वग़ैरह देने के लिए तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बेसिकली आपको यू हैव टू लुक गुड आपको अच्छा लगना है देखने में यू शुड लुक प्रजेंटेबल ठीक है और एक चीज़ माई डियर लेडीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू कि uh, आप लोगों को बिल्कुल भी फ्लैशी बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारे जेंट्स होते हैं हमारे जो मेल होते हैं उन लोगों को मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि वो लोग कुछ फ़्लैशी पहने या क्योंकि हमारी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कपड़े भी हो सकते हैं बैग्स भी हो सकते हैं हमारे फुटवेयर भी हो सकते हैं हमारे ईयर भी हो सकते हैं हमारा मेकअप भी हो सकता है ठीक है हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ्लैशी लग सकती हैं एंड इट विल नॉट गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन बहुत अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाएगा इस चीज़ का तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बेसिकली आप हेड टू टो मतलब क्या क्या बन मतलब कैसे बन के जाएँ तो वो इस बारे में है ये वीडियो ठीक है ओके गाइस स्टार्ट करते हैं आपके फेस से ठीक है फ़ेस का मैंने आपको बताया था मेकअप कैसे करना है आई आई हैव ऑलरेडी शेयर द वीडियो विथ यू ठीक है मेकअप uh, आप हल्का सा वैसे करके चले जाएं लिपस्टिक थोड़ा डार्क कलर का लगाएं आई वुड सजेस्ट पिंक रेड कुछ भी जो भी आपको लगा लगे जो कि बहुत फ्लैशी ना हो ठीक है नॉर्मल मेकअप करना है बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं करना है ठीक है ये हो गया हमारा फेस का उसके बाद आप पोनी टेल भी बना सकते हैं हाई पोनी टेल बना सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल बाल अगर आपके छोटे बाल हैं तो यू कैन जस्ट कीप इट ओपन खुले रख सकते हैं ठीक है आ, बालों का ये हो गया उसके बाद ओके वेरी इंपॉर्टेंट देर आर सर्टन थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं फ्लैशी तो बिल्कुल नहीं लगना है प्लस बहुत ही सेटल सब कुछ करना है और आपको हाथों में और गले में और कानों में कुछ ऐसा नहीं पहनना जो बहुत ज़्यादा फ्लैशी लगे ठीक है तो uh, कानों में गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम योर ठीक है तो कानों में इस तरीके के पर्ल इयर होते हैं ठीक है इनको मोती वाले ईयरिंग्स भी बोलते हैं आपको सस्ते महंगे कैसे भी मिल जाएंगे डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट आपको जैसा भी ठीक लगे आप ले सकते हैं ठीक है ये तो मैंने पूरा ले लिया था बट आई थिंक टेन ट्वेंटी रुपीज़ का बाहर मिल जाता है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाई यू नो रियल पर्ल अगर असली वाला मोती जो आता है वो ख़रीदना है अगर आपको अगर आर्टिफिशियल से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो यू कैन बाई दैट ऑल्सो फ्राम एनी यू नो एनी सिल्वर शॉप या किसी भी ज्वेलरी शॉप से ले सकते हैं आप पर्ल इयरिंग्स बेसिकली रिकमेंडेड होते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं होते हैं ठीक है थेके? तो ये हो गया हमारा पर्ल ईयरिंग ठीक है कानों में आपको ये पहनना है गले में गाइज आई वुड रिकमेंड कुछ नहीं पहनना है आपको ठीक है गले में कुछ भी नहीं पहनेंगे आप हाथ में सिर्फ एक वॉच के अलावा और कुछ नहीं पहनेंगे नेल पेंट बहुत सटल सा लगाएंगे कोई भी लाइट कलर कोई आपके पास हो कोई सटल यू नो न्यूड कलर लगा सकते हैं आप रेड और पिंक लगा सकते हैं बट हाँ ग्रीन और यू नो ग्रीन और ब्लैक uh, और भाई मतलब नेल आर्ट और वो सब जो ख़तरनाक चीज़ें होती हैं वो सब ना करके जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सेलेक्टेड ऑफ़ कोर्स ठीक है तो आ, ये हो गया उसके बाद ओके okay. हमारे ईयर हो गए हैं अब, अब 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 मुझे क्या बताना था आपको ठीक है ईयर हो गए और हमारे पास जो हमारे कपड़े होंगे वो होगी नॉर्मल प्लेन शर्ट कोई भी कॉलर्ड ये मैंने एक पुरानी है वैसे तो बट कुछ इस तरीके की हाफ स्लीव्स की या फुल uh, स्लीव्स की जैसे भी आपको पहननी हो आप पहन सकते हैं ठीक है कलर प्लीज़ मतलब कोशिश करिए कि थोड़ा ओके uh, ओके okay, okay हो और प्लेन हो प्लेन हो तो ज़्यादा बेटर लगता है ठीक है बट स्टिल यू कैन डू इट वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर बट बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके की रिकमेंडेड होती है वैसे तो शर्ट आप लाइट पिंक रेड कुछ इस तरीके की प्लेन कलर की पहन सकते हैं थोड़ा फॉर्मल लुक लगे बस और क्या ठीक है और ये है हमारी स्कर्ट कुछ इस तरीके की स्कर्ट आप पहन सकते हैं ये मेरी स्कर्ट है बहुत पुरानी है ठीक है कुछ इस तरीके की ये नी लेंथ तक आती है और ये इस तरीके की कुछ आप स्कर्ट पहन सकते हैं ये हो गए हमारा शर्ट स्कर्ट ठीक है उसके बाद गाइज़ ये स्टॉकिंग्स थोड़ी पुरानी हो गई वैसे तो बट स्टिल uh, ये इस तरीके की स्टॉकिंग होती है इसका जो कपड़ा होता है वो इस तरीके का होता है ये बहुत ही शेयर होता है ठीक है जो आप स्कर्ट के नीचे पहनेंगे ठीक है और जो आपके शूज़ होंगे uh, वो बिल्कुल प्लेन फॉर्मल होंगे और हील्स हो तो ज़्यादा अच्छी बात है ठीक है थोड़ी सी हील हो उसमें और बहुत ज़्यादा ना हो ऑब्वियसली बिल्कुल uh, क्योंकि आपको कंफर्टेबल भी होना चाहिए ठीक है थोड़ा सा आप वो हील वाला शू पहन सकते हैं और उसमें मेक श्योर sure कि उसमें कुछ गोल्डन या कुछ सिल्वर या कुछ ऐसे फ्लैशी ना हो बहुत ज़्यादा ठीक है प्लेन ब्लैक हील हो ठीक है जो भी ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका कमेंट डाला हुआ है ठीक है आप एमेज़ोन से या मिंत्रा से कहीं से भी अगर वो नहीं तो थोड़ा उससे सस्ता या महंगा जैसे भी आपको ठीक लगे आप ऑर्डर कर सकते हैं मिंत्रा या अमेज़न या कहीं से भी ऑनलाइन वैसे तो ट्राई करिए कि आपके घर के पास मिल जाए तो मिल जाएगा ठीक है तो अगर नहीं मिलता है तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ लिंक शेयर किया है बिकॉज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि हमें जो कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं इम्पॉर्टेंट वो नहीं मिलती हैं हमें ठीक है तो इसलिए आप लोगों का काम ईज़ी करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये चीज़ शेयर करी है आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंटेशन आपको लेके कर किस में जाना है तो गाइज आई वुड सजेस्ट कि कुछ इस तरीके की फ़ाइल कुछ इस तरीके की फोल्डर हो आपका जो कि बहुत प्यारा लगता है इट लुक्स रियली नाइस और इसमें बहुत सारी चीज़ें यू you नो know, आ सकती हैं आपकी आप देख ही रहे होंगे इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रख सकते हैं आराम से तो इट विल लुक लिटिल फॉर्मल एंड इट विल गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन तो आप इस तरीके का कुछ फॉर्मल फोल्डर ले सकते हैं उसका भी लिंक मैंने नीचे डाल दिया है आप उसमें से ऑर्डर कर सकते हैं या तो नॉर्मल स्टेशनरी शॉप से ले सकते हैं और घर के आसपास अगर आप ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं घर के आसपास मिलती हैं तो ठीक है वरना कोई बात नहीं ठीक है वरना ऑनलाइन तो आ ही जाता है आजकल हर जगह तो आ, ये हो गया और राइट ठीक है तो वॉच मैंने आपको डोंट नो कहाँ रख दी मैंने hmm. ओके okay. वॉच का भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है वैसे तो नीचे एक सेकेंड नीचे गिर गई ओके दिस इज माई वॉच ओके ये ये मेरी वॉच है माय फेवरेट वॉच दिस इज फ्रॉम फॉसिल बट यू कैन बाय एनी एनी ब्रांड यू वांट बट बेसिकली मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही थी कि इस तरीके की कोई सिंपल लुकिंग वॉच लें बहुत ज़्यादा फ्लैशी ना हो उसमें कोई स्टड्स ना हो और सिंपल से मतलब उसमें सेकंड हैंड हो और ताकि बाद में भी आपको काम आ जाए बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी सेकेंड हैंड्स क्यों चाहिए ठीक है तो गाइज़ बहुत ही सिंपल डायल का आपको वॉच लेना है ठीक है बिल्कुल सिंपल तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग एल्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिए लाइक करिए मेरी वीडियो को और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू बाई